जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। बहुत दिन के बाद हम लोग फिर आज कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 तक किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर 6 और 7 हम आज लिखने जा रहे हैं एक साथ। कहिएगा एक साथ क्यों? क्योंकि 6 आपको पहले से डाला हुआ है, उसका नंबर है GB05, ठीक है। तो GB05 जो हुआ वह हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 6, सिर्फ हम इतना डालेंगे और आज से हम लोगों का 7 शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 7, 7 में हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास 3 तरीका है, ठीक है। क्या क्या तरीका है? ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, है ना। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, समझ गए बात, इसी को हमको पढ़ना है आज, ठीक है। चले हम लोग, चल सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6 और पार्ट 7। कहते बच्चा खोजेगा क्या 5 के बाद, तो बच्चा खोजेगा 6 कहाँ है, 7 कहाँ से चला आया, इसीलिए हम 6 7 लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6। एक दिन हम इसे ग्रुप में मैसेज कर दिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6 के लिए आपको देखना है CGB05, ठीक है। उस कोड में चला जाएगा, देख लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें है हम लोगों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। जा कट गया जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आज हम लोगों का पॉइंट क्या है, क्या है गुरु? संस्कार मेरा बड़ा गौर से देखता है ना, संस्कार क्या, संस्कार मेरा एकदम संस्कारी चेला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कितने टाइप से करना है? 3 मैथ है आपके पास, एक मैथ है ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा है आपके पास वेक्टर, वेक्टर फॉर्म या वेक्टोरियल फॉर्म, और तीसरा है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है।
खुशी की बात क्या है सो देखिए, ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि ना हो? हाँ ठीक, या इसको हम लोग आयन प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको गॉसियन, जी ए गॉस थ्योरम पढ़ा है ना या पढ़ेगा आगे, गॉस थ्योरम के नाम पर गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। कितना नाम हो गया देखो ध्यान से, कितना नाम हो गया भाई, पर्दा क्यों बोल रहा है, कितना नाम हो गया मेरे पास, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन। और दुख का बात यही है कि जो बेचारा वेक्टोरियल है उसका एक ही नाम है वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, उसका एक ही नाम है वेक्टोरियल फॉर्म। और तीसरा जो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसका फिर नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर या पोलर फॉर, या पोलर फॉर, ठीक है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर और पोलर फॉर, ठीक है। तो हम लोग आज अब इसके बारे में पढ़ेंगे, देखो तीन का तीन हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो और अच्छी बात है, क्या चल। सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं, ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म या क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहो या और बोलो गॉसियन प्लेन कहो, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है, सबसे पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आपको पता है कि यह जो है मेरा क्या है रियल पार्ट और यह जो है मेरा ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये जो फॉर्म है मेरा ए प्लस आई बी है ना, तो ए और बी दोनों क्या है रियल नंबर है, ठीक। तो ये रियल नंबर रियल पार्ट जो है इसको हम लोग ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी क्या खींचना होगा, ग्राफ खींचना होगा, ग्राफ के लिए क्या चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये चला जाएगा एक्स एक्सिस पर और ये चला जाएगा वाई एक्सिस पर, हो गया। जैसे इसी 3 + 4i को हमको रिप्रेजेंट करना होगा, इस ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, खाली पॉजिटिव है इसलिए हम ले लिए, लेकिन बैक भी कर दो, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन हल्का दिखाई दे रहा है, चाहे ब्लू से लिखा जाए। ये है मेरा ओरिजिन, क्या है ये मेरा ओरिजिन। अब देखो इसमें 3 लेना है, एक्स एक्सिस में क्या लेना है 3, जैसे 1 2 3 ये पॉइंट मेरा 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 ये पॉइंट क्या हो गया 4, ये कहाँ आएगा, यही ना आएगा मेरा 3 + 4i, ये जो पॉइंट हुआ इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं 3 + 4i, यही इसका हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 7i
तो 5 इस पर ले लीजिए और 7 इसका ले लीजिए, जहां कटेगा वही 5 प्लस 7 आई का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो आपको आता ही है, सिर्फ हम आपको दिखा दिए हैं रास्ता। अब हम आ जाते हैं वेक्टोरियल फॉर्म, इस फॉर्म पर वेक्टोरियल फॉर्म माने क्या, वेक्टर फॉर्म। दूसरा नंबर है हम लोगों का वेक्टोरियल फॉर्म, बहुत दुख होता है हमको, जानता है क्या है कि ज्योमेट्री वाला का 3-4 गो नाम है, ट्रिग्नोमेट्री वाला का 3-4 गो नाम है, इसका बेचारा का 1 गो नाम, या हम ही को नहीं पता हो, तुम लोग पता लगाओ जरूर, और कोई दूसरा नाम है कि नहीं है, यदि है अच्छी बात है, नहीं है तो खोजो, तुम लोग भी कुछ नाम दो। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म। वेक्टोरियल फॉर्म क्या है सुनो, जैसे पहले तो एक बात समझो, वेक्टोरियल किससे बना, वेक्टर से। ठीक, वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड विथ क्या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, पहले तो ये दिमाग में रखो। क्या वेक्टोरियल फॉर्म, जैसे कोई एक ले लो वेक्टर 3+4i, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, नहीं यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चीज हम लोग सीखे हैं किसमें, ज्योमेट्री वाला ने, ग्राफ तो वैसे ही बनाना है, प्लॉटिंग वैसे ही करना है। ठीक, 3+4i को जो हम लोग प्लॉटिंग करेंगे सो कैसे करेंगे, ठीक 4 ई पॉइंट जो हुआ 3 पर, इसको मान लेते हैं P, इस पॉइंट को क्या मान लिया हम लोग P, इस पॉइंट को जो हम लोग P मान लिए, यही मेरा 3+4 आए, इसको मानते हुए क्या O पोजीशन वेक्टर, OP, ये OP जो हुआ मेरा, यही हुआ मेरा क्या पोजीशन वेक्टर, क्या हो गई पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पॉइंट P का वेक्टर OP, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर O P, वेक्टर का साइन देगा ना, वेक्टर है तो वेक्टर का साइन दीजिएगा, साफ दिखा दे रहा है कि नहीं, दिखा दे रहा है वेक्टर O P, हाँ हो गया, ये हो गया मेरा क्या पॉइंट P। अब एक चीज देखो, ये तो पॉइंट को खाली दिखाए, 3+4i में पॉइंट को दिखाए कि पॉइंट 3 और 4 यहाँ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, माने क्या इसका लेंथ, नहीं ठीक, ये कितना होगा भाई, ये बात तो पता है आपको कितना होगा, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, नहीं इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3² + 4² = कितना 5, नहीं यही इसका कहलाया क्या आर्गुमेंट, नहीं आर्गुमेंट करते ये आपको क्या कहलाया मॉडुलस ना, मॉडुलस यानी क्या मैग्नीट्यूड, ये जो हुआ यही मेरा क्या हो गया मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड कहो या क्या कहो मॉडुलस कहो। ये मैग्नीट्यूड तो आपका निकल गया, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, ठीक कितना है मैग्नीट्यूड आर, कितना 5। अब है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या यहाँ एरो दे दो, ठीक है यहाँ पर एरो दे दो ओपी। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है सो देखो, कहता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ओपी का एक्स एक्सिस के साथ, ओपी का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा,
ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की, पॉजिटिव नेगेटिव तो जानता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले कर दिए हुए हैं। ये जो हुआ मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये जो घूम रहा है चक्र ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया मेरा क्या पॉजिटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और जब क्लॉक के तरह घूमेगा तो हो गया मेरा क्लॉकवाइज, जो कि क्या हो जाता है निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव, इसको फिगर अलग कर दें क्या, अलग कर लो, इसी फिगर को हम यहाँ बना दें, ठीक है, इसी फिगर को हम यहाँ बना दिए, ये हो गया मेरा O, ये मेरा P, इसको हम क्या मान लेते हैं G, क्या मान लिए इसको G, ठीक है, ये तो राइट ट्रायंगल है, OP मेरा क्या पोजीशन वेक्टर है, इसके भी के इस डायरेक्शन में जो होगा ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं हो गया, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने क्या पॉजिटिव, आपको जो निकालना है डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या आर्गुमेंट, इसमें क्या होगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है, सो एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स एक्सिस इन क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, चाहे ये भी कह सकते हैं कि OP एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वही उसका क्या कहलाएगा आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है, OP है ये आपका एक्स एक्सिस लिए है, एक्स एक्सिस का ना पार्ट है ये, तो जी माने रहिए एक्स एक्सिस का पार्ट है, या और दिखाने के लिए इसको बढ़ा करके एक्स कर दो, अब तो दिक्कत नहीं, इस एंगल को हम, ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लिए अल्फा, अब एक चीज देखो ये अल्फा जो है, अब फिर हमको अलग एक फिगर बना के तुमको समझाना होगा कि एंगल अल्फा किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक, जैसे यही ना मेरा एंगल है अल्फा, ठीक, ये ना लिए थे हम लोग, या एंगल घटेगा या बढ़ेगा वह किस किस साइड पर डिपेंड करेगा, यह एंगल एंगल घटेगा या बढ़ेगा वह किस किस चीज पर डिपेंड करता है, प्रतीक्षा बताएगी, है ना, प्रतीक्षा बताएगी किस किस पर डिपेंड करेगा, देखो मान लो इसको हम बढ़ा दिए, नहीं या हम इसको बढ़ा दिए, नहीं इसको जब हम बढ़ा दिए तो ये हो गया, नहीं या नहीं तो इसको बढ़ा देंगे कि, तो यह किस किस चीज पर डिपेंड किया, हमारे कहने का मतलब था कि ये जो एंगल है अल्फा यह किस किस पर डिपेंड किया, परपेंडिकुलर पर और बेस पर, क्या नहीं? यह किस पर डिपेंड किया परपेंडिकुलर और बेस पर, इसीलिए हम इसको लिखते हैं टेन अल्फा, क्या लिखेंगे इसको टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा माने क्या परपेंडिकुलर और बाय क्या बेस, तो परपेंडिकुलर क्या पीजी और बेस क्या ओजी, तो पीजी जो है मेरा पीजी हुआ, नहीं यह किसके बराबर वाई एक्सिस के बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं y by कितना, ये x एक्सिस है x y by x, यानी tan alpha is equal to y by x, समझ गया, अब जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में tan alpha is equal to कितना, ये कितना है 4 by 3, tan alpha is equal to क्या हो गया 4 by 3, यह आपका क्या हो गया आर्गुमेंट, अब एंगल कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4 by 3, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 by 3, नहीं यहां तो एंगल नहीं निकला क्या, लेकिन आप निकाल सकते हैं ना, दूसरा कोई एंगल रहेगा, दूसरा कोई वैल्यू रहेगा, मान लो यह रहेगा रूट 3, ये रहेगा 1, नहीं तो रूट 3 by 1 हो गया ना, रूट 3 by 1 हो जाता तो tan 60 डिग्री हो जाता, यानी आर्गुमेंट मेरा कितना हो जाता 60 डिग्री हो जाता, समझ गया बताओ,
कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग दो फॉर्म पढ़े, कौन कौन फॉर्म पढ़े, ज्योमेट्रिकल फॉर्म और वेक्टोरियल, ठीक है। अब आगे हमको बताना होगा कौन पोलर फॉर्म। तो हम यही कहेंगे आपको कि पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट वाला देख लीजिए, सिक्स वाला पार्ट, और तब किस में आ जाइएगा, सेवन वाला। पोलर फॉर्म जो है सो वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का काम पड़ेगा, ठीक है। तो वो पार्ट हम अभी बता देते हैं, ठीक है, वो पार्ट अभी बता दिए रहेंगे। तो उसमें हमको पोलर फॉर्म समझाने में कम समय लगेगा और उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे। चलिए अब तीसरा में आ जाइए, पोलर फॉर्म, पोल माने क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए दो तीन चीज हमको समझना होगा, समझ गया, क्या क्या समझना होगा सो देखो। समझने के लिए रौनित तो मेरा जानता है, क्या रौनित, रौनित मेरा जानता है, क्या बताएंगे हम सो। माने पोलर फॉर्म को समझने के लिए जो चीज की जरूरत है वो सब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, लेकिन मेरे पास समय है तो हम सोचते हैं उसको बता दे। x x डैश y y डैश ओरिजिन, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यह एंटी क्लॉक वाइज में चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। जब भी हम ऐसे चलेंगे या लिखिए दो, ये है मेरा एंटी क्लॉक वाइज, ये है मेरा क्या क्लॉक वाइज, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव, ठीक है। उसके बाद सब चीज आपको आता ही है, समझ गए, खाली हम उसको जोड़ रहे हैं। क्या हम लिखे हैं देखो, तो क्या लिख दिए हैं, क्या बोले हैं, क्या लिखे हैं, देखिए x x डैश y y डैश y, क्या बोले हैं, क्या लिखा है, हाँ x है y, यानी x का पॉजिटिव इधर जानता है, इससे इधर जो होगा x का पॉजिटिव होगा, इससे इधर x का नेगेटिव, अप में पॉजिटिव और डाउन में ही y का नेगेटिव। ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है सब ट्रिग्नोमेट्री पर है, ये क्या होगा प्लस प्लस, क्योंकि पहले एक्स तब वाई, पहले एब्सिसा तब ऑर्डिनेट, नहीं पहले ए तब ओ, पहले एक्स तब वाई, ठीक है। और ये क्या होगा, पहले एक्स यानी क्या माइनस और प्लस, ये क्या माइनस माइनस, ये क्या प्लस माइनस, ये समझ गया। उसके बाद एक चीज क्या है, हम जो आपको अभी अल्फा का वैल्यू निकाल के दिए हैं, दिए है ना, अल्फा का वैल्यू निकाल के दिए हैं, सो हमको थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा। अब आ जाओ देखो, करिए दिए हम लोग ना, चलो पोलर फॉर्म हो ये गया, क्या होता है पोलर फॉर्म, जेड इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में ले लो cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही है पोलर फॉर्म, समझ गया है, यही क्या मेरा पोलर फॉर्म, j इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये r को हम जानते हैं मॉड्यूलस, वो तो निकालने आता है हमको, एक समस्या सिर्फ थीटा का है, एक थीटा का ही ना समस्या है, और तो कोई समस्या नहीं है, आर हमको निकालने आता ही है और थीटा निकालना हम सीख लिए, हो गया बात खत्म, नहीं हो जाएगा। अब देखो ये जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें हमको एक चीज ध्यान में रखना है, क्या एक चीज ध्यान में रखना है कि किस में क्या होगा। इस केस में हम जो अल्फा निकाले हुए हैं देखा है ना, तो हो जाएगा कहां लिखे हम, दूसरा कलर से लिख देते हैं, क्या पहला क्वाड्रेंट में जो है ये हो जाएगा
थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब कहेगा कि हमको कैसे पता चलेगा ये पहला क्वाड्रेंट में है कि दूसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में। उसका पता हमको इस साइन से लगेगा, यहां जो हम लिखे हैं प्लस प्लस। जैसे 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो 2 का साइन क्या है प्लस, 3i का साइन भी क्या है प्लस। प्लस प्लस इसीलिए वह हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तो समझ गया, जैसे रहेगा -2 + 3i यानी क्या माइनस प्लस, तो माइनस प्लस मेरा किस क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट पता चल गया, क्वाड्रेंट जब पता चल गया तो उस केस में क्या होगा थीटा बराबर क्या फर्स्ट में क्या थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में सीधा मेरे विचार से कर देगा, मेरे विचार से कर दो सीधा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। बात समझ गया, इसमें थीटा इज इक्वल टू अल्फा और इसमें थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो गया, इसका जस्ट अपोजिट ही। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जा पाई माइनस अल्फा, इसमें क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और इसमें आ जा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा लिखो, या थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा था ना पाई प्लस अल्फा, या लिख सकते हम लोग अल्फा माइनस पाई, दोनों लिखा सकता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। और इसको भी हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। याद करने के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा नीचे, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई, याद हो गया। तो इतना ही से बन भी गया, बात समझ गया, हो ही हो गया मेरा काम। अब जैसे हम ले ले कोई एग्जांपल लेंगे तब ना पता चलेगा, ठीक। एक एग्जांपल ले ले हम लोग, एग्जांपल क्या है भाई, जैसे एक एग्जांपल है -1 + i√3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म, ठीक। सबसे पहली बात हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं r निकालेंगे, नहीं r इज इक्वल टू अंडर रूट कितना, अंडर रूट कितना -1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस कितना 3 अंडर रूट कितना 4 इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। चलो ये 2 हो गया मेरा, अब हम क्या निकालेंगे सो बताओ, अब हम निकालेंगे tan अल्फा, बोले थे ना अब क्या निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या बोले थे y by x, बोले थे ना y by x, या ये भी हम कह दें कि इमेजिनरी अब भाई क्या रियल, इमेजिनरी क्या है मेरा √3, रियल क्या है -1 नहीं -√3। एक चीज और, इसको हमको मोड में रखना होगा, tan अल्फा किस में रखेंगे मोड में, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो क्या आ गया √3, ठीक है √3 आ गया। तो ये √3 जो है कितना डिग्री का वैल्यू हुआ बोलो, tan अल्फा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, पाई के फॉर्म में ले लिए क्या आ गया π/3। दो काम हो गया, तीसरा काम क्या करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, अब तो वहीं में जाएंगे हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, ये है माइनस और ये है प्लस, इसका मतलब यह चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या है पाई माइनस अल्फा, नहीं अल्फा क्या निकाले π/3 यानी पाई माइनस π/3 यानी क्या 2π/3 हो गया काम। ये नहीं निकालना था आपका, काम था खाली r निकालना और थीटा निकालना, दोनों निकाल दिए तो आपका क्या हो गया फॉर्म, आपका फॉर्म हो गया 2 हो गया r cos थीटा माने क्या cos 2π/3 है प्लस i sin 2π/3। ज्यादा समय हो गया हो ना, नहीं हुआ ठीक,
समझ गए बात। एक हम और बता देते हैं, ठीक है, एक बताना मेरा और काम है, क्योंकि एक में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, हमको क्लियर नहीं होता है। तुम लोग तो तेज है, तुम लोगों का तो हो गया होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे ही तरह मान लीजिए किसी का दिमाग हो तो वो बेचारा क्या करेगा। इसीलिए एक और बता दिया जाए, जैसे कि क्या बताया जाए, माइनस टू वाई, जैसे कि एग्जाम्पल लिया माइनस टू वाई, माइनस टू आई को किस फॉर्म में लाना है, पोलर फॉर्म। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको ले आइए, क्या लिखेगा, जीरो माइनस टू आई, यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। अब इसको हमको पोलर फॉर्म में लाना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस कितना, माइनस टू का स्क्वायर, यानी हो गया जीरो, आई हो गया फोर, नहीं यानी मेरा क्या आ जाएगा टू, ठीक है मॉडुलस पॉजिटिव। अब हमको निकालना है किस अथी में है, क्वाड्रेंट में है, एक प्लस और एक क्या माइनस, यानी प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम क्या निकालेंगे, टेन अल्फा मोड में क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू, अब भाई कितना जीरो, माने क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड किसका होता है 90 डिग्री का, अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, माने कितना पाई बाई टू, साफ नहीं दिखा दे रहा, अल्फा भी सही पाई बाई टू नहीं, अब देखो अल्फा बराबर हो गया मेरा पाई बाई टू। अब देख किस क्वाड्रेंट में था, हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या माइनस अल्फा हो गया, इसका मतलब क्या माइनस पाई बाय टू। और वैल्यू बिठा दो वहां पर, क्या है वैल्यू मेरे पास, आर माने क्या टू कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस पाई बाय टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाय टू हो गया। अब एक चीज कर दो, अब तुम अपना कर सकता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या साइन माइनस थीटा बराबर तुम कर सकता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे बनाने के लिए, क्या क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन ले लो वन प्लस आई, दूसरा ले लो वन माइनस आई, तीसरा ले लो माइनस वन प्लस आई, चौथा ले लो माइनस थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू आई, पांचवा ले लो वन प्लस आई बाय वन माइनस आई, छठा है टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई बाय फाइव प्लस रूट थ्री आई, ठीक है। और सातवां ले लो साइन 120 डिग्री माइनस आई कॉस 120 डिग्री, बस यही सात क्वेश्चन आपको बनाना है, अब आप बनाइए, ठीक है। जय जय।